देखो सुमंदा, मैंने अपना केस तुम्हें पूरा बता दिया, अब कोशिश करो कि जल्द से जल्द डिवोर्स हो जाए। आई डोंट नो, प्लीज एटलीस्ट ट्राई। एक्चुअली योर केस इज वेरी क्लियर, दोनों ही म्यूचुअल कंसर्न से डिवोर्स लेना चाहते हैं, सो डोंट वरी, सिर्फ 6 महीने की तो बात है। वैसे मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, क्योंकि पर्सनली मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ नरेन। देखो नरेन, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि जब तक ये तुम्हारा डिवोर्स का मसला सुलझ नहीं जाता, तब तक तुम अकेले मत रहना, क्योंकि अकेलापन खा जाएगा तुम्हें। और अगर तुम कभी लोनली फील करो, तो आई एम देयर फॉर यू। थकी चाल, बिखरे बाल, बेहाल हाल, नरेन आहूजा ने लाइफ में छोटी सी गलती की, शादी। इस बैंक मैनेजर की टीवी रिपोर्टर बीवी ब्रेकिंग न्यूज में बिजी रहती थी और यहाँ उनकी शादी ब्रेक हो रही थी, और फिर उनके प्रेम और प्रेम पत्रों की जगह कट्टी और चिट्ठियों ने ले ली। एक ही घर में दोनों पास पास थे, फिर भी अलग अलग। इनकी शादी की च्युइंगम में से धीरे धीरे टेस्ट चला गया है, अब ना ही उसे उगल सकते हैं और ना ही निगल सकते हैं। बच्ची का प्यार भी इस शादी को बचा नहीं पाया। 7-7 जन्मों की कस्में 7-8 साल में आर्ग्यूमेंट्स और झगड़ों में तब्दील हो गई, और फिर नरेन ने बीवी बच्चा वाला घर छोड़ दिया, और फिर दोनों ने एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल के शुभ तलाक लेने का तय किया। मैं चलूं? अपना ख्याल रखना। थैंक यू। चलो, आखिर नरेन अपने स्वर्गीय माँ बाप के खाली मकान में रहने आ तो गया, पर उसे पता नहीं है कि जीवन का खालीपन वो कैसे भर पाएगा। कोई होता जिसको अपना, हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा कोई होता जिसको अपना, हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता। लेकिन सावधान, ये जो भगवान को बोर कर रहे हैं ना मिलिंद केलकर, खुद भी बड़ा बोरिंग आदमी है। 4 साल था लंदन, खींच लाया देश का बंधन, पार्ट टाइम में गालिब से लेके गुलजार तक का रिमिक्स लिख डालता है, और फुल टाइम में झटपट शादी.com में शादियां करवाता है, पर खुद कमा रहा है बेचारा। गम बबल गम का बोझ और गीले गीले पानी की खोज जैसी शायरी में बहुत दर्द है, पर दूसरों के लिए सर दर्द है। मिलिंद आदर्शवादी प्रेम कवि। लुक, तुम शादी के लिए रेडी नहीं हो, और ये तुम्हारा रजिस्ट्रेशन चेक वापस ले। नहीं नहीं, नो नो नो, आई कांट कीप दिस। नो 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 नो, इट्स अगेंस्ट द पॉलिसी। आर यू श्योर? यस। थैंक यू सो मच। थैंक्स। डोंट वरी, 5 साल बाद आना। वाह, मिस्टर मिलिंद केलकर, तो आप यहाँ क्लाइंट्स को फ्री एडवाइस भी देते हैं? हाँ जी सर, मैं क्लाइंट्स को जेन्युइन एडवाइस देने की कोशिश कर रहा हूँ। मत करो, सिर्फ अपना काम करो। हम यहाँ झटपट शादी.com चला रहे हैं, हमने यहाँ लोगों को फ्री एडवाइस देने का ठेका नहीं ले रखा है। पहले ये बताइए कि आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? नहीं। तो फिर आप शादी के बारे में कैसे बोल सकते हैं? उसमें क्या है सर, इससे पहले मैं एक साड़ी के स्टोर में था, तो क्या साड़ी पहनता था? शट अप। यू नो, हिंदुस्तान में सिर्फ 3 ही चीजें चलती हैं। हाँ मुझे मालूम है, कार, ट्रेन और प्लेन। नो, फिल्म्स, क्रिकेट और शादियां। मिस्टर केलकर, शादियां करवाओ, शादियां, समझे? समझ गया। अभय सूरी, अंग्रेजी में ऐसे लोगों को प्लेबॉय कहते हैं, हिंदी में चालू, पर लड़कियां उन्हें स्मार्ट और हैंडसम कहती हैं। शाम ढले जैसे पंछी घोंसले में चले जाते हैं ना, वैसे ही रात को डिस्को या पब में पाए जाते हैं। अभय उर्फ एबी अपने बॉयश चार्म से किसी ना किसी को अपनी बाहों में उठा ही लेते हैं, और फिर लड़कियां भी उनके सारे खर्चे उठा लेती हैं। सिंपल है ना, पक्का ATM, एनी टाइम मोहब्बत। अच्छा वैसे ये मत सोचो कि काम नहीं करता, जिम में ट्रेनर है भाई, और क्लाइंट्स की बॉडी से नजर हटाता ही नहीं है, बराबर ध्यान देता है। इन शॉर्ट, इसकी लाइफ में 3 F का फंडा है, फन,
फ्लर्टिंग और तीसरा एफ तो आप समझ ही गए होंगे, बस यही है उसकी लाइफ का ओनली अचीवमेंट। यू बीन अ बैड गर्ल। एक मिनट आए। अरे रोज का इसका क्या रे, क्या चल रहा है यहाँ पर, कहाँ है लड़की? लड़की कौन सी लड़की, कहाँ की लड़की? What happened, baby? अरे देखा देखा, रोज का तमाशा है ये। नहीं चलेगा भाड़े के फ्लैट में सब। अरे चुप, चिल्ला क्यों रहा है तू? अरे ये एरिया का MLA हूँ और बिल्डिंग का सेक्रेटरी भी हूँ, अंदर कर डालूंगा तुझे। अरे सर मैंने तो आप ही को वोट दिया था, आइए आइए बैठिए। अरे बैठने नहीं आया, कहाँ है बाहर निकाल उसे। सर आप गलत समझ रहे हो, मैं क्या है ना, मैं जिम इंस्ट्रक्टर हूँ, जिम इंस्ट्रक्टर, योगा सिखा रहा था इसे। 2 बजे रात में योगा, हॉट योगा, रात को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, 24/7। रहने दीजिए ना, अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है, तेरे को कैसे पता रे? मुझको भी सिखाता है हॉट योगा। क्या ए, आज से तेरा योगा शोभन और बंद तेरा सोसाइटी में रहना, 2 दिन में फ्लैट खाली होना चाहिए। बस क्या सर, मैंने आपको 5 साल के लिए चुना है और आप हमें 2 दिन में निकाल रहे हो। 2 दिन बस, चलो चलो इसको तो मैं निकाल के बड़ा आया। हाँ, रोज का तमाचा है इसका। एनी प्रॉब्लम डार्लिंग? नो टेंशन, 2 दिन है अभी, कंटिन्यू करें। मिस्टर त्यागी छत से पानी टपक रहा है, पानी। अबे बारिश के मौसम में पानी तो टपकेगा ना, विस्की थोड़ी टपकेगी। चायला, कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद हिंदुस्तान में जिम्मेदारी नहीं उठाना कॉमन बात हो गई है ना? रिपेयर करवाओगे या नहीं? अबे कभी नहीं करवाऊंगा, जो करना है कर ले, घर ही तो छोड़ के जाएगा ना, जा। अबे तुझे पता ही नहीं किरायेदारों की बड़ी लंबी लाइन लगी है मेरे पीछे, निकलना है तो निकल, बड़ा आ गया छत ठीक करवाने। हाँ सर आपने बुलाया? अरे नायक वो घर के पेंगे इसका जो ऐड दिया था उसका क्या हुआ? हाँ दे दिया सर, बस कल से फोन आना शुरू हो जाएगा आपको। ठीक है यार नरेन, ये पेंगे इसके झंझट में क्यों पड़ रहा है तू? अरे यार अपने घर का लोन भी खुद ही भरना पड़ता है, मम्मी डैडी के घर शिफ्ट हो गया, साला बामकाटी स्टेडियम लगता है, सोच रहा हूँ कोई साथ रहेगा तो अकेलापन भी दूर हो जाएगा और घर के खर्चे भी शेयर हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? आई एम प्रीतक सिसो जी। दीपक ससोरिया। बहुत पीते हैं आप? गलत, सिर्फ सोने से पहले और जागने के बाद। नो, डोंट वरी, मैं घर पर कोई लड़की नहीं लाऊंगा, मेरी तो सिर्फ लड़के ही आएंगे, चलेंगे ना? क्या करते हो? जिम ट्रेनर। गर्लफ्रेंड? नहीं गर्लफ्रेंड नहीं है, हाँ लेकिन गर्लफ्रेंड्स बहुत सारी हैं। यहाँ लड़कीबाजी नहीं चलेगी। हेलो ब्रो चिल, मैं लड़कियों को घर पे क्यों लेके आऊंगा, लड़कियां मुझे अपने घर लेके जाती हैं। ओके ओके, एडवांस? हाँ काफी एडवांस होगी लड़कियां आजकल। नहीं मैं वो एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एडवांस 1 लाख रुपए डिपॉजिट 1 साल का एडवांस। 2-3 को बटाना होगा जी। 2-3 दिन में इंतजाम कर दूंगा। ओके फिर संडे से? हाँ सर आपने मुझे कैसे पूछ लिया लड़कियों के बारे में, आपको पता है मैं कौन हूं? कौन? मैं वर्जिन हूँ सर, वर्जिन। मैं घर तो क्या बाहर भी लड़कियां नहीं घुमाता, शादी के पहले सेक्स नेवर, आई हेट, मैरिज इज फॉर एवर ना। तुम संडे से आ सकते हो, कॉफी? हाँ थैंक यू सर। वेलकम।
पानी हो या पत्थर, फेसबुक हो या ट्विटर, कुछ भी नहीं तेरे प्यार से बढ़कर। सोचता हूँ अक्सर, सोचता हूँ अक्सर। Wow, beautiful words. Especially आपने जो अक्सर पे जो स्ट्रेस दिया ना, अक्सर अक्सर. How do you write? सीधा, straight from my heart. But are you? Am I? Straight. Of course I'm straight. Okay, okay, बाबा, Mr. Street. ये बताओ कि तुम्हारे chatpatshadi.com में हमारे लिए कोई पार्टनर ढूंढ सकते हो क्या? नहीं, sorry. How old fashioned, Milind? तुम्हें मालूम है? Gay marriages legal होनी चाहिए? We're in every field. It's in. हम पे film stories बनती हैं. Hollywood में, यहाँ पे, देखना. एक दो साल में हम पे एक TV serial बनेगा. अगले जन्म, मोहे गुड़वा ही की जो. Can we please just change the topic? Okay, okay, तुम्हारे मतलब की बात. तुमने satisfied Indian के बारे में सुना है? Satisfied? सुनना भी नहीं है. अरे बाबा, satisfied Indian एक pub का नाम है जहाँ पे amateurish poets अपने poems और अपने शायरीज पेश करते हैं. मैंने अपना talent use करके तुम्हारा नाम लिखवा दिया है. You rock, क्या? Thank you so much, Jimmy. Jimmy Juhu. Nice meeting you. कहाँ रहती हो? लोखंडवाला. वाओ, यानी मेरे पास ही रहती हो. एक कॉम्प्लीमेंट दूँ? यू डोंट लुक मैरिड. तुम्हारे पति क्या करते हैं? भाई है. तुम्हारे भाई के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे हस्बैंड के बारे में पूछ रहा हूँ. पति? मैं भी पति के बारे में बोल रही हूँ. भाई है, अंडरवर्ल्ड, दुबई में. सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तुम्हारा. उनका भी. अब तक 56 मर्डर कर चुके हैं. हंसते हंसते इस्माइल हटेला, नाम तो सुना होगा. कोई प्रॉब्लम सर? आपने मुझे याद किया. दुबई से फोन आया था. क्या बात है सर, दुबई पे ब्रांच खोल रहे हो आप? बोलो कब जाना है, पासपोर्ट मेरा रेडी है. अरे दुबई से भाई लोगों का फोन आया था, तुमने उसकी बीवी को यहाँ छेड़ा, मुझे मरवा दोगे क्या? सर मुझे कैसे पता कि वो उसकी बीवी है? अरे वो भाई मुंबई में मेरी 6 की 6 ब्रांचेस बंद करवा रहा है. सर टेंशन मत लो, दिल्ली में ब्रांच खोलेंगे, चेन्नई में खोलेंगे, सारा इंडिया हमारा है सर. अरे शट अप, मैं कोई टेंशन नहीं लेना चाहता, समझे? अकाउंट डिपार्टमेंट से बात करो और अपने पैसे क्लियर करो. चलो जाओ यहाँ से. लेकिन चलो, सर, जाओ सर. चलो. अरे जा, बोला ना. आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वो लड़की मुझ पर लाइन मार रही थी. ए, और ये सब मैं अपने जिम के लिए कर रहा था. ए, चल चल जा यहाँ से. टकला साला. ए, जा यहाँ से रोमियो. Aisha, just come in. Hello, sir. Aisha, wo. आप? June. नहीं, महीना नहीं पूछ रहा हूँ. आपका नाम? No, sir. I'm June Pinto. Intern हूँ. आज ही join किया. Aisha washroom में है तो मैं आ गई. Can I help you? हाँ, वो जेलर रहमानी एंड सन्स की फाइल ढूंढ रहा था, 2004-2005. वहां कहीं होगी? Certainly, sir. जादूगरी तू, ख्वाब है या कोई जादूगरी? सब मिल गई. ओह हाँ, यही है. थैंक्स. अब जून, जून पिंटो. जून पिंटो. सर कैन आई लीव? या. थैंक्स. Oh,
जादूगरी, तू ख्वाब है या कोई जादूगरी।